एक नए विवाद में फंस गई है महाराष्ट्र की राजनीति। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। इसके चलते पहले ही अजित पवार का नाम गूगल पर 1 लाख से ज्यादा बार सर्च होने से दूसरे पायदान पर ट्रेंड हो रहा है। इस बैठक का कारण है NCP प्रदेश अध्यक्ष पद की अस्थायी पदोन्नति। शरद पवार की उपस्थिति में होने वाली थी यह बैठक, लेकिन वे अभी पुणे में हैं। इसके बाद राज्य में NCP के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की खबरें फैलने लगी हैं। NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुप्रिया सुले ने देवगिरी बंगले पर पहुंचकर चर्चा को गर्म कर दिया है। अजित पवार के इस नए दावे के बाद वे चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें नया प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा नहीं है, बल्कि संगठनात्मक जिम्मेदारी चाहिए। इसके बाद NCP विधायकों ने भी देवगिरी में प्रवेश किया है। अजित पवार के देवगिरी बंगले पर दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशरीफ और सांसद अमोल कोल्हे भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस नए मोड़ पर बहुत चर्चा हो रही है। अब ये देखना होगा कि कौन सी योजना के तहत क्या घोषणा होती है और इसकी कीमत क्या होगी। हम आपको इस मुद्दे पर ताज़ा अपडेट देते रहेंगे।